गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एंड टुडे माय टॉपिक इज अगेन लीडरशिप, बिकॉज़ आई फील विदाउट हैविंग अ टॉप क्लास लीडरशिप इन मैनकाइंड, वी कैन नॉट रीच टू आवर डिजायर्ड काइंड ऑफ अ डेस्टिनी। एंड दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस आई टॉक अबाउट पीपल ओनली, एंड दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी। दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू मी। कौन होता है एक अच्छा लीडर? अगर आप लीडर की बात सोचते हैं तो सबसे पहले सोचिए इस बात को, बिना फॉलोअर्स के कोई लीडर बन सकता है कि नहीं? आंसर है नहीं। अगर आपके फॉलोअर्स ही नहीं है तो आप किस तरह के लीडर हैं? पीछे मुड़कर देखिए कि आपके पीछे लोग हैं कि नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है। आपके सामने बहुत सारे लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपको यस बोलेंगे, आप सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी बातें मैं फॉलो करता हूँ, सब बात बोलेंगे। बट क्वेश्चन इज, इन योर एब्सेंस what people think about you, your leadership, your philosophy, that is true would be your designation, is it a boss, is it a supervisor, or is it a leader? Jab aapke piche log bolte hain ki he's a good guy, we'll follow him. So what I'm trying to tell you is, what when people follow you and your talks and your philosophy in your absence, then you are a true leader. And for that, there are certain things which you are supposed to always do. कौन से लोग true leadership की तरफ जाते हैं? वो लोग जो इस बात पे believe करते हैं कि मेरी absence में मेरी job कौन करेगा? That means what? They always focus on the development of their juniors. हमेशा उनके दिमाग में एक बात चलती है, कैसे मैं अपने juniors को अपग्रेड करूं, इम्प्रूव करवाऊं, कैसे वो अपने से आज से अच्छे कल बन जाए। ये जब थॉट चलती है, then to true leadership takes birth. This is one quality which is not by birth. This is one quality one can acquire. Few things are required to do that. One, you should be very sensitive. And once you're sensitive and once you're compassionate, कि आपको दूसरे की चीज़ें समझ में आती हैं, दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आती हैं, उनके लिए आप उनकी हेल्प करते हैं, आप उनके लेवल पर जाते हैं, उनको समझ कर उनको बताते हैं। सिखाने के टाइम पर टीचर्स के अंदर एक खास बात होती है, उन्हीं टीचर्स से लोग सीखना चाहते हैं, उन्हीं लीडर्स को से लोग सीखना चाहते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर इस बात का ट्रस्ट करते हैं कि वन इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि आपकी कमी जानने के बाद वो आपको मीटिंग्स के अंदर विल नॉट क्रिटिसाइज यू, विल नॉट एक्सप्लॉइट यू, रादर आपको इस बात की तरफ से ट्रस्ट करते हैं कि आप उनके कमी के टाइम पर, गलत टाइम पर आप उनकी हेल्प करेंगे। Then these kind of leaders become more successful. इसके अलावा एक लीडर में खास क्वालिटी क्या होती है कि जब उसकी प्रेजेंस में कोई सीनियर आदमी उसके जूनियर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल योर सेल इज नॉट गुड, योर डिटेलिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज रॉन्ग, देन ही डज नॉट टेक द साइड ऑफ द सीनियर, रादर ही टॉक्स इन सच ए मैनर दैट सर इसकी मैं मानता हूँ कि ये परेशानी है, इसकी डिटेलिंग अच्छी नहीं है, इसकी ये वाली प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं वो भी है, लेकिन सर एक बात बोलूँ मैं, सर इज वेरी हार्ड वर्किंग, इज वेरी गुड इन होल मीटिंग, ए जूनियर इज वॉचिंग हिज इमीडिएट सीनियर, और जब उसको वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अलग से ले जाके मीटिंग के बाद उसको समझाता है, डांटता है अलग से, ही इज ए गुड लीडर। बट वी बेसिकली सी इन मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स, If for example a senior guy is scolding somebody, सारी की सारी जितने बाकी के leaders हैं, first line, second line, third line, सब उसी तरफ आ जाते हैं और सब मिल के डांटना शुरू कर देते हैं। Very bad example of leadership. Bad, बकवास, खराब, नहीं होना चाहिए। कोई अगर manipulator है, कोई बदमाश है, तो उससे आप meeting hall से बाहर जाके अलग से जो मर्जी करें, लेकिन कोई average आदमी, ठीक आदमी, एक किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, यू हैव नो राइट टू जस्ट राइड द वेव, चलो सब डांट रहे मैं भी डांटता हूँ,
journey, this is a very big mistake. Second, in a good time, when things are moving very good, बहुत अच्छा काम चल रहा है, he is very confident, the junior is very very confident, then the senior should definitely praise him, कि आपने बड़ा अच्छा करा, this is very good, but ये points आपके अभी भी इस level पर नहीं पहुंचे, जिस level पर आपके बाकी point पहुंचे. कहने का मतलब, in a bad time, support him. In good time, make him realize the weaknesses, make him realize certain learnings are very, very important. कुछ कमियां चल रही हैं. Otherwise, what will happen? After one success, गिर सकता है. But what people do? People shy away from even appreciating. अच्छा टाइम है, अगर मैंने इसको ज़्यादा तारीफ कर दी ना सर, तो इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. इसलिए मैं इसको तारीफ ही नहीं करता, बस डांटता ही हूँ. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो वॉट बेसिकली इज अ राइट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. 65% अप्रिशिएट, 70% अप्रिशिएट, 30-35% आप उसको बताइए कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसको इम्प्रूवमेंट करना है. वन मोर थिंग आई डेफिनेटली ऐड हियर, हाउ ए लीडर रिएक्ट्स वर्सेस रिस्पॉन्स बैक. कैसे वो रिएक्ट करता है या कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है. दिन के बाद रात भी आती है, शाम भी आती है. कहने का मतलब क्या है कि आपका अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी आएगा. बट दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज व्हाट काइंड ऑफ ए मेटल आर यू मेड ऑफ. किस चीज के बने हुए हो आप. बुरे टाइम में घबरा जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो क्राइसिस के अंदर, या उसको आप सामना करते हो, यू कन्फ्रंट दैट. आपका रिएक्शन है और या आपका रिस्पॉन्स है. दैट डिफाइंस द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए गुड लीडर. कौन अच्छे लीडर्स होते हैं जो अपना ट्रू कैरेक्टर दिखाते हैं बुरे टाइम में. सेल गिर गई, लड़का छोड़ गया, कुछ क्राइसिस आ गया, इस डॉक्टर ने कुछ बोल दिया. हाउ यू रिएक्ट टू दैट, हाउ डू यू टेक दैट क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी. अगर आप उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की शेप में लोगे, लेते हो, या आप उसको डर जाते हो उससे. That's true is very very important. So check करो अपने आप को, आप कैसे हैं. लीडर्स के साथ में जब आप लीडर्स को देखते हो तो उसके पीछे आपको 5-7 लीडर्स और देखते हैं. कहने का मतलब, अगर आपके पीछे आपके जैसे, आपसे ज़्यादा स्मार्ट, आपके जैसे डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली लाइक यू, बट देयर सर्टन शाइनिंग स्टार्स बिहाइंड यू एंड यू कैन सी दैट यू आर वर्किंग एज अ ZM. यू कैन सी मैनी RMs आर as good as you, then you are a good leader. और आपके पीछे कोई नहीं है आपके जैसे लोग, या आपसे अच्छे लोग, या आपके से थोड़े डिफरेंट लोग नहीं है, स्मार्ट लोग नहीं है, जिनमें कॉमन सेंस है, then it's a problem. One more thing, you must have seen in mankind that we have always propagated one thing, that it is good to talk common sense in your own native language than to talk nonsense in English. बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने के और सेंसिबल बात, दो बातें, इंग्लिश बोलना और सेंसिबल बात बोलने के चक्कर के अंदर गलत बोल जाते हैं. सो वी ऑलवेज से, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन मी टॉकिंग इन अ मिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, दैट्स माय नेटिव लैंग्वेज. इस तरह से मैं आम बात करता हूँ. अगर हम इस तरह से बात करें तो हम सेंसिबल बात ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे. तो आपको इस बात से यू शुड नेवर बी बॉक्ड डाउन कि आपको अंग्रेजी बहुत ग्रेट नहीं आती. We can always mix up, और यही हमें बताना लोगों को कि कोई भी डॉक्टर सभी मरीज से सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बोलता, उसकी नॉर्मल कन्वर्सेशन कैसी होती है, तमिल इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, कन्नड़ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, मराठी इंग्लिश, ऐसे ही हमें बोलना है, तो इसमें कोई बुरा नहीं होता, राइट. लीडरशिप इज ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग मैनिपुलेशन एंड करप्शन, एंड वी नो देर आर सर्टन मैनिपुलेशन एंड करप्शन वेरी वेरी कॉमन. हमें सबको पता है कि मेरे पास जो प्रमोशन मटीरियल आया मैंने उसमें मिसयूज कर लिया, बट एंड अदर थिंग्स, फॉल्स रिपोर्टिंग की मैनिपुलेशन, सबको पता है इस बारे में. डंपिंग भी मैनिपुलेशन है. सेल्स को रोकना भी मैनिपुलेशन है. यार देख लो, अगर तुमने इस साल इतनी सेल करी तो अगले साल क्या होगा, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, कैसे करोगे इतनी बड़ी ग्रोथ. दिस काइंड ऑफ कॉमेंट्स आर बीइंग थ्रोन, ये भी मैनिपुलेशन है. तुमसे ना हेड ऑफिस के बैठे हुए लोग बहुत गुस्सा हैं, अपने जूनियर को कुछ सीनियर्स ऐसा बोलते हैं. तुमसे ना
जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बहुत गुस्सा है, तुमसे ना ZM साहब नेशनल हेड बहुत गुस्सा है, दूसरे के नाम लेकर इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, ये भी नहीं होना चाहिए। इफ यू जेन्युइनली वांट टू बिकम अ गुड लीडर, स्टॉप फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस। वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन व्हिच शुड नॉट हैपन, दिस इज अ बैड हैबिट एंड दैट बेसिकली इज हेड ऑफिस को मत बताना जो मैंने तुम्हें बोला है, डोंट गिव फीडबैक टू हेड ऑफिस। दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन कोल्ट्री ओन साइलोज, और इसमें हेड ऑफिस को नहीं लाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, जो हेड ऑफिस पर बैठे हुए लोग बुद्धू हैं, गौकल काम हैं, वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, और जो बंदा दूसरा है वो ज़्यादा अच्छा है, वेरी स्मार्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी, यू शुड थॉटफुल, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीडर्स को रिजल्ट से ज़्यादा लोगों के ऊपर और प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, एंड दे शुड अवॉइड दीस काइंड ऑफ जुगाड़बाजी और मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, लाइक इसको इस वाले एरिया से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, इसको यहाँ का छोटा कर दीजिए, इसका एरिया बड़ा काट दीजिए, इसका वजह बढ़ा दीजिए, एंड विदाउट चेकिंग द होलिस्टिकली द टोटल पर्सनैलिटी। वो आदमी बन गया है मैनेजर, कई बार गलतियाँ कर चुका है, कई बार मैनिपुलेट कर सकता है, और वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। So don't think that he'll be able to work magnet or Justiva or any other division. He will not be able to work. So understand, उसके लिए आपको क्या करना है? If you want to improve, he can, you should improve him over there in your own area. और वो नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। यहाँ से लाना, वहाँ से लाना, ऐसा करना, वैसा करना, घुमाते फिरता फिरना। This cannot happen in management now. So you should know this fact very, very well. And shy away from doing these things. और जब हम बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो उसके फार्मूला क्या है, वी हैव ऑलवेज प्रोपोगेटेड वन फार्मूला, फार्मूला ऑफ 80 and 20, 80% कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बट इन 20% यू शुड डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, एंड व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम करने वाली चीज के अंदर कभी आप फेल होंगे, कभी पास होंगे, ज़्यादा फेल होंगे, कम पास होंगे। आप माना फॉर एग्जाम्पल 30% पास हुए और 70% फेल हुए, तो क्या होगा? आपने कुछ नई बातें सीखी। आप टफेस्ट डॉक्टर के चैम्बर में जाके बात करें, आप टफेस्ट चैलेंज लें, आप वो काम करें जो आपने फर्स्ट टाइम किए हैं, जिसमें चांसेस फेलियर के बहुत हैं। बट उसके लिए एक बात सबको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग जूनियर्स, दैट मैनेजर्स आर नॉट सुपरमैन्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जो भी काम करेंगे दे विल बिकम सक्सेसफुल 100% इन एवरीथिंग, नहीं होता ऐसा, वो भी इंसान है। एंड जूनियर शुड ऑलवेज सी द ट्राइंग, कोशिशें उस लीडर की, और सीनियर को हमेशा सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब सुपरमैन बनने की कोशिश करता है तो आदमी वो काम नहीं करता जिसमें वो फेल होता है, और उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे जूनियर्स के आगे, उससे क्या होता है, ही स्टॉप्स डेवलपिंग, एंड दैट इज देयर उसका पतन शुरू होता है। सो हैव ए बिलीफ दैट विदाउट एडिंग पर्सनैलिटी, एडिंग सब्सटेंस इन यू, यू कैन नॉट ग्रो, एंड एवरीबडीज डिजायर इज टू ग्रो इन द लाइफ, and to grow you need to have some qualities, and qualities will come only by experimenting, listening, doing, and the most important, suno aur next moment se karo, bhulo mat, allah aapne sunne ke baad nahi kara, nahi likha aur nahi kara tab bhul jaoge. So I wish you all the best, I wish you fast execution, lightning execution, that's the quality of mankind. All the best and have a great year ahead. Thank you so much. Bye-bye.